Hello everyone and assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel and good morning. सुबह बखैर. आज के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा आज व्लॉग में आप देखेंगे. सुबह हो चुकी है, नाश्ता बन रहा है. सो नाश्ता बनने के बाद हम नाश्ता करके झाड़ू पोछा. कहाँ चली जाऊँ मैं, मेरी अम्मा कर शुरू होता था कि उनको मत इतना बाबा नहीं ले रही है आपको. तो जो है सफाई हो चुकी है. आज मासी जल्दी आ गई थी, हमने नई मासी लगा ली. पहले उन्होंने बहुत तंग किया था. एनीवे साथ रहे आज का दिन. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. इतनी देर में वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? दाल का दर्द कैसा है आपका? सही है. पैर का दर्द कैसा है आपका? सही. पेट का दर्द कैसा है आपका? आपके अंगूठे का दर्द कैसे है अम्मी? सारे दर्द कैसे है अम्मी? लमसम करके पूछते सारे दर्द कैसे हैं मम्मी? जवाब तो देते हैं. सही है, शुक्र है. अभी ना बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि मैंने कुछ तैयारियां करनी है, तो हम लोग ने फटाफट से रक्षा बुला लिया है और हम यहाँ से निकल चुके हैं. मैंने एक चप्पल लेनी है कोल्हापुरी जो कम्फर्टेबल है पहनने के लिए, और दो तीन चीज़ मुझे और लेनी थी. हम फटाफट से निकल गए. होपफुली आवाज़ परफेक्ट आ रही हो. और जो हम रक्षा में बैठे हैं और हम बाहर जा रहे हैं. गाइस आई एम हेयर और मैंने फटाफट से अपनी कोल्हापुरी लेनी है और अम्मी को आप लोग देख सकते हैं फौरन बैठने की लगती है. हाँ सो गाइस यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी कोल्हापुरीज हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्राइजेस. आप देखें कितने रीजनेबल प्राइसेस हैं. तो हम यहाँ से लेंगे अपने लिए कोल्हापुरी. अच्छा खस्से भी यहाँ पे मौजूद हैं और सबके डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं, लेकिन अंडर योर पॉकेट बजट है इजीली. और ये मेरी मोस्ट फेवरेट शॉप है. जब भी मुझे कोल्हापुरी लेनी होती ना तो मैं यहीं से अपनी कोल्हापुरी लेती हूँ. तो भाई मैंने अपने लिए ना ये कोल्हापुरी पसंद करी है, बड़ी कम्फर्टेबल सी है. तो हम ये ले रहे हैं. तो गाइस हम आ चुके हैं और हमें ना एक दो जगह और जाना था, बट बाबा का कॉल आई, बाबा घर के बाहर है तो रक्षा भगवाया. फौरन हम घर आ गए और आके ना मैंने गाड़ी चलाई. मैंने एक जगह से निकाल के दूसरी जगह गाड़ी लगाई तो मैं बहुत खुश थी. और बाबा बताते गए ठीक है, बट मैंने कर लिया. और अम्मी बैठी वो इंतज़ार कर रही हैं कि मैं दरवाज़ा खोलूँ. गाइस मुझे वापस घर से बाहर जाना पड़ रहा है और अब हम जो है ना पैदल पैदल जाएंगे. और जो दवाइयाँ शवाइयाँ रह गई, कुछ सामान लेना है वो लेंगे. घर वर बंद कर दिया, बाहर निकले और हम जाएंगे. फाइनली हमने जो है अपनी ख्वाहिश पूरी की. हमने एक वॉच जो है डिसाइड की जो ले रहे हैं. और क्योंकि मैं पेंट हूँ आप लोगों को पता है, तो अभी हमें बताएंगे ये बनेगी कैसे, इसमें ये लगेंगी कैसे. तो भाई बताएंगे ये इसमें आप ऐसे उतारेंगे इसको, अब इसके ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये इसके अंदर चले जाएगा. ओके ये फिक्स हो गया. जबरदस्त. ये इसके अंदर ऐसे सिलेक्ट करके ये ऐसे फिक्स हो गया आपका. ओके और ये ऑन कैसे हो गया? आप इसको यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, बाकी इसके ऑप्शन ये दबाएंगे ये ऑप्शन आ जाएंगे सारे इसके. ये सब ठीक है. हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम. तो आज हम यहाँ मौजूद हैं और हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं. सो गाइस हम शॉपिंग करके आ चुके हैं और ना मैं बहुत थक चुकी हूँ, इतना थक चुकी हूँ, इतना थक चुकी हूँ, इतना थक चुकी हूँ कि मैं बता नहीं सकती. पर हमने शॉपिंग कर ली है और ये देख सकते हैं गाइस. अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, सारे काम शाम हो चुके हैं, तैयारियाँ कर रही हूँ. मैं किस चीज़ की कर रही हूँ वो आप लोगों ने गैस करना है. एनी वेज चप्पल मेरी वो पड़ी हुई जो मैं लेकर आई हूँ, मोज़े भी शॉपिंग करके लेकर आई हूँ. तो जो है अब जो है बाबा को खाना शाना दूँगी. आज पे जो थेरेपिस्ट भी आना है, उनैस ने भी आना है, और फिर ब्लॉग एंड करूँगी. उससे पहले आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ूँगी. सो गाइज अब जो है ना सारे काम हो चुके हैं, बाबा के फिजियोथेरेपिस्ट उनैस आ चुके हैं. तो जब वो आते हैं ना तो वो मेरी सास बन जाते हैं. सबसे पहले उठ के ना मुझे उनके लिए चाय बनानी होती है, तो मैंने चाय रख दी है, साथ में बर्तन धोने हैं, घर समेटना है, बहुत सारा काम है करने को. तो हम वो करेंगे, साथ में जी पालक कल के लिए काट के रखना है तो हम पालक काटेंगे. दुकान उन्होंने खोल लिया, बाबा जो है ना हमारे वॉक कर रहे हैं और मैंने चाय सबके लिए बना ली है. तो हम फटाफट चाय देंगे, ये हमें फ्रेश करना है और फिर हम जल्दी से बाबा को जाके चाय देंगे.
सो गाइस सारे काम से फारिग हो चुके हैं, व्लॉग एंड करने का टाइम है, लेकिन एंड करने से पहले आप लोगों के कमेंट्स मैडम बहुत जरूरी है। तो हमें अंबर खान कहती हैं मामा जानी को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सीमा हुसैन जो फजूल बातें करते हैं वो लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते तो अपने भड़ास निकालते हैं क्योंकि वो पागल होते हैं। ओ माय गॉड। अल्लाह आपको कामयाब करे और नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। शिमी जी कहती हैं रजिया जिया जिया सो क्यूट। ओके रामिल अरशद कहती हैं पाओ माशाल्लाह आपिया जानी आप बहुत स्लिम लग रही हैं आई स्वेयर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रिड्यूस करोगी। कीप इट अप लव यू टू। हुमा उमा कहती हैं लीना तुम्हारी एक आदत बहुत अच्छी लगी वो ये कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करके दुनिया और आखिर सवार रही हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह तुम्हारे वालदैन को सलामत रखे और तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। लाइफ विद मिस्टर बिलाल कहते हैं ग्रेट थैंक यू सो मच। सायरा बिनते सलमा कहती हैं प्लीज शेयर योर वेट आई एम ऑल्सो स्टार्ट डाइटिंग विद यू। डाइटिंग करें वेट अभी नहीं बता रही, वेट जब कम होगा तब इंशाल्लाह बताऊंगी। अच्छा निकट तारीख कहती है मुझे अपने कमेंट्स का इंतज़ार था क्योंकि आपने भी मेरे कमेंट करती हैं जब आप अपने कमेंट्स पढ़ती हैं जो हम आपको कर रहे हैं। आपके बाबा बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसे हैं ट्रू और वैसे ही रोटी डिप करके खाते हैं जैसे मेरे हस्बैंड। लव यू एंड लव योर फैमिली थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। अच्छा अहमद रजा कहते हैं आप हर दिन बहुत बहुत अच्छा हो। आमीन आई लव यू मोटू। अच्छा जी अम्बर खान कहती हैं आप पी 88 तक आ जाए वेट करने। अच्छा मामा को भी वर्क पर लेके जाया करें। आपकी मामा हिलती भी नहीं है यार कसम ले लो मेरे से। कैसी हैं आप? हेलो 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 थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। चलो ने कमेंट्स किया मैं हिलती हूँ वॉशरूम जाती हूँ। हाँ वकी में। एनीवेज गाइस उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग वॉशरूम जाती हूँ। अगर आपको व्लॉग आज अच्छा लगा मैं वॉशरूम करने भी जाती हूँ। झूठ बोल रही मैं हिलती हूँ। मैं ले लूंगी कैमरा आपके ऊपर। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल हम फिर मिलेंगे ठीक है। अलविदा को दुआओं में याद रखिएगा।